हेलो गाइस, अभी जो आपने इंट्रो वीडियो देखा है कि टेक्स्ट नेम का जो कि एनिमेशन थ्रो जो कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरह से आपने काइन मास्टर ऐप का यूज़ करके बनाया जाता है वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाएँ जिससे कि मेरे नए नए वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले आपके पास काइन मास्टर होना ज़रूरी है। अगर आपके पास काइन मास्टर नहीं है तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काइन मास्टर ओपन करने के बाद आपको प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करना है और फिर बाद में रेशियो सेलेक्ट करना है जो कि मैं एक नंबर का जो किया है। रेशियो सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है मीडिया फाइल में जिसके आपको बैकग्राउंड चूज़ करना पड़ता है। बैकग्राउंड लेने का है ब्लैक कलर का। तो ब्लैक कलर का ये जो बैकग्राउंड है मैंने ले लिया है। अब आपका जो ड्यूरेशन टाइम है, कितने टाइम का आपको वीडियो बनाना है वो आप चूज़ कीजिए। जैसे कि मैं 14-15 सेकंड का जो है वीडियो बनाना चाहता हूँ। फिर आपको लेयर में जाकर मीडिया में जाना है और जहाँ पर अपना क्राउन वाला जो फ़ोटो है उसको सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास ये क्राउन वाला भी फ़ोटो नहीं है तो इसके भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। क्राउन वाला वीडियो फ़ोटो लेने के बाद उसका जो कलर एडजस्टमेंट है कुछ इस प्रकार कीजिए, क्योंकि ये आपके टेक्स्ट का और इस फोटो का जो कलर है वो सेम होना चाहिए जो कि आगे हमें दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रकार इस फोटो का भी ड्यूरेशन आपको बढ़ा लेना है। फिर जाना है टेक्स्ट में। टेक्स्ट में जाने के बाद आप अपना नाम डाल सकते हैं या फिर इंट्रो का जो जिसके भी नाम बनाना चाहते हैं उसका नाम डालिए। तो फिर मैंने ये नाम दे लिया है। नाम देने के बाद इसको करेंगे थोड़ा बड़ा साइज में और जाएंगे फॉन्ट में। फॉन्ट में जाने के बाद मैं ये वाला फॉन्ट यूज़ करूँगा। अगर आपके पास ये वाला फ़ोन नहीं है तो आप स्टोर में जाकर उसमें डिस्प्ले में आपको अलग अलग फ़ोन दिखाई देगा, उसमें से आपको जो भी फ़ोन अच्छा लगे वो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि अगर चाहते हो कि आप मेरे वाले फ़ोन को डाउनलोड करना चाहते हो तो मेरा वाला फ़ोन ये देखिए कुछ तरह इस तरह है, जो कि अभी थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है। कहाँ गया वो, मैंने अभी किया डाउनलोड उसको। तो यहाँ भी नहीं यार, कितना देर लग रहा है यार। हाँ तो ये रहा, ये वाला मेरा फ़ोन है, आपके यहाँ डाउनलोड करके दिखाई देगा। मैंने इंस्टॉल कर लिया है इसको पहले ही। तो चलिए वापस मुड़ते हैं। इसको फ़ोन को करूँगा क्लिक, इसको राइट क्लिक करके फ़ोन इसको बैठ चुका है। अब इसके साइड एडजस्टमेंट करने के बाद आपको जाना है कलर में। कलर में जाकर उसको ग्रीन कलर देना है। जैसे हमारा ये क्राउन का ग्रीन कलर है उसी तरह इसका भी कलर ग्रीन कर देना है। ग्रीन करने जो चेक टेक्स्ट का जो ड्यूरेशन है उसको भी बढ़ा कर देना है। जितना क्राउन का ड्यूरेशन है उतना ही टेक्स्ट का ड्यूरेशन बढ़ा कर देना है मेन डिस्प्ले के हिसाब से। तो आपको जाना है बाद में इसको सेव कर लेनी है वीडियो को। इसको शेयर में जाएंगे। शेयर में जाने के बाद ये जो एक्सपोर्टिंग प्रोजेक्ट एक्सपोर्टिंग नाम दिख रहा है उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका ये जो वीडियो है एक्सपोर्टिंग होने के लिए तैयार है। कुछ सेकंड में आपका ये वीडियो तैयार होने के बाद आपको क्या करना है कि आपको वापस अपने काइन मास्टर ऐप में बैक आना है। बैक आने के बाद जो भी आपने डिस्प्ले पर लेयर्स लिए हैं उन लेयर को डिलीट कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जाना है मीडिया में। मीडिया में जो कि अपना वाटर इंक वाला जो वीडियो है वो आपको लेकर मेन डिस्प्ले में डालना है। अगर आपके पास नहीं है तो उसकी लिंक ऊपर आ रही होगी या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे दी है। तो वो वीडियो लेने के बाद आपको क्या करना है कि लेयर में जाना है, ठीक है। लेयर में जाने के बाद मीडिया को क्लिक करेंगे और अभी अभी एक्सपोर्ट हुए वाला अपने प्रोजेक्ट को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको जो है डिस्प्ले बड़ा कर देंगे जो कि ये वाला ऑप्शन है, उसको पूरा स्क्रीन फुल हो जाएगा। स्क्रीन फुल होने के बाद आपको करना क्या है कि क्रोमा की का यूज़ करना है। क्रोमा की में जाने के बाद उसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपके एडजस्टमेंट के हिसाब से उसकी सेटिंग कर देनी है जिससे कि वो अपना कलर इफेक्ट अच्छी तरह से दिख पाए, ठीक है। इसको कर देंगे ओके। ओके करने के बाद आप कुछ इस तरह से वो इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। लेकिन थोड़ा कलर जो है अपने बाकी के टेक्स्ट में नहीं आ रहा है। तो आपको करना क्या है कि इधर क्रॉपिंग में जाना है। क्रॉपिंग में जाने के बाद इसको थोड़ा जूम कर देना है। ये दोनों है उनको मिक्स कर देना है। इसको क्लिक कर दीजिए प्लस, जो कि इक्वल कर देना है। इक्वल करने के बाद आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से अपनी वीडियो चल रही है और पूरा जो अपना टेक्स्ट है वो पूरा टेक्स्ट कलर हो चुका है। उसके बाद
जो है कि अपना जो मेन ड्यूरेशन टाइम है वीडियो का वो थोड़ा कम हो गया है और अपना जो ग्रीन लेयर है वो ज़्यादा है, इसलिए आपको मेन लेयर को पकड़ना है, उसको स्पीड जो है कम कर देनी है, ठीक है। कम करने के बाद वो जो कैसा वीडियो बढ़ जाएगा, बढ़ने के बाद उसको फिर से चला कर देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो ये तो हो गया हमारा। अब क्या करना है कि आपको इस वीडियो को कुछ साउंड देना है, म्यूज़िक देना है, तो आपका जो भी मनपसंद म्यूज़िक हो आप उसे दे सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको दिखाने के लिए ये वाली म्यूज़िक लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इस म्यूज़िक को करते हैं ऐड करके बाद ये हो गया है हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट। लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं कि वो जो स्टार्टिंग में जो अपने जो वाइट वाइट डॉट दिख रहे हैं उसके अंदर, तो उसको कैसे हटाया जाए, तो उसके लिए ये वाली प्रोसेस है कि आपको लेयर को क्लिक करना है अपने मेन ग्रीन लेयर को, ग्रीन लेयर को क्लिक कीजिए, ये जो दिखा है ना वाइट वाइट लेयर, तो उसके लिए आपको ग्रीन लेयर को क्लिक करना है। देखने का सीधा कि ये ऊपर ऊपर और लास्ट का जो ब्लेंडिंग का ऑप्शन है उसमें मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन है, उसको क्लिक कर दीजिए। सिंपल ही अपना वीडियो जो है खूबसूरती से प्रेजेंट होने के लिए तैयार है। अब इसको भी उसी तरह से सेव कर लेना है, शेयर के ऑप्शन भी क्लिक कीजिए और एक्सपोर्ट कर दीजिए फाइल। तो इस तरह से हमारी पूरी वीडियो जो है तैयार हो जाएगी। एक्सपोर्टिंग के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है दोस्तों, क्योंकि आपके फ़ोन में बहुत सारे ऐप्स जो है इंस्टॉल होते हैं, वो स्पेस नहीं होता मोबाइल में, इसलिए वो थोड़ा लोड लेता है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा एक्सपोर्टिंग प्रोजेक्ट हो चुका है, अब हमारी वीडियो जो है स्टार्ट होने के लिए तैयार है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करके देखते हैं कि अपनी वीडियो जो है किस प्रकार से तैयार हो चुकी है। वीडियो क्लिक कर दिया और मैं वीडियो के ऑप्शन में इसको क्लिक कर रही हूँ, तो कुछ इस प्रकार से हमारी जो वीडियो है जो बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसको टिकटॉक या फिर किसी भी अकाउंट पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे अपलोड कर सकते हैं आपकी मनचाहा सोशल मीडिया पर। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको कोई प्रॉब्लम है वीडियो के बारे में तो कमेंट करना ना भूलें।